एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित सिरोली सकतपुर गांव पहुंचा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान संतोष देवी के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 500 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 320 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 22 हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, बाढ़ सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, तालाब, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान देवर सरोली हिंदवीर सिंह, ग्राम पंचायत सरोली, ग्राम सकतपुर। मैंने जो सरकार से धनराशि मिली उसकी सीसी टाइल्स, रास्ते, सोलर लाइट, शौचालय, स्कूलों में मरम्मत, नल रिबोर करा दिए हैं। जितना धन मिला उसका सब प्रयोग कर दिया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से और 3 प्रधानमंत्री आवास मिले, दोनों तीनों बन गए हैं। कच्चे मकान थे, उनके पक्के बनवाए। और माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत बड़ी नाते होने से धन कम आता है, जिससे भी धन बढ़े और हमारी ग्राम पंचायत के अंदर रास्ते, नाली और भी सही हो सके। ये पहला मकान हमारा कच्चा था और जो है मतलब पहले पर वो पड़े थे कड़ी बड़ी ऐसी टूटी फूटी, ये पड़ी हुई थी। प्रधान जी बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। मैं मुरारी बोल रहा हूँ, सिरोली गांव, गांव सिरोली, ग्राम पंचायत से। मेरा नाम नंदे सिंह है, ग्राम पंचायत सिरोली से, और ये गांव सकतपुर में जो ये रास्ता है ज़्यादा ही गंदगी का था और मोहल्ले वालों को भी बड़े परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अब हमारे प्रधान जी ने रास्ता ये बढ़िया करा दिया है, अब ये किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है।